आज हम लोग फ्रेंड्स आज हम स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग लगाना सीखेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से लग जाती है। आप इसका कलर देख रहे हैं, कितना यूनिक लाइट ग्रीन, कितना प्यारा कलर है। तो फ्रेंड्स आप भी कटिंग्स लगाएं और बहुत आसानी से लगाएं। तो फ्रेंड्स आईएमपी सीखेंगे और साथ में हमें ये भी बहुत से दोस्तों को मालूम नहीं कि इसे कितनी जगहों पे लगाया जा सकता है और कितनी आसानी से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है, तो आप साथ जुड़े रहें और देखें कितने आराम से हम कटिंग्स अपनी लगा लेंगे। कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी, उनके रिजल्ट्स भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स आए फिर यहाँ से कुछ कटिंग्स लेते हैं और इन्हें लगाते हैं। तो फ्रेंड्स फिर स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने कटिंग से ग्रो किया था, तो अब ये देखेंगे इस तरह से ग्रो कर गया है। तो आप जो है कोई भी कटिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक कटिंग हम ये लेने वाले हैं। तो कटिंग हमेशा वही लें जिसमें न्यू शूट्स आ रही हों। तो वैसे तो ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है, कोई भी इसकी टहनी लगा लें, लेकिन हम ज़रा न्यू शूट्स लेंगे। तो फ्रेंड्स फिर ये लेते हैं चलें इसकी कटिंग। और जब भी कटिंग लें तो आपने ये ख्याल रखना है कि दो तीन नोड्स आ जाएं इसमें, ये एक दो तीन। तो यहाँ से जो है इस कटिंग को ले लें, और कटिंग जो है 4 से 6 इंच की आप ले सकते हैं। तो ये लें, ये हमने ये ली है। इस कटिंग आप ऐसे हाथ से भी ले सकते हैं तोड़ के, लेकिन इसमें से एक सैप सा निकलता है। तो आप कोशिश करें सीज़र की मदद से लें, तो कुछ लगी लगी हो जाती हैं। तो हम इसे बराबर में काटें ताकि ये प्लांट भी डी शेप ना हो। तो एक ये ले लें, इसी तरह एक ये ले लें। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये इसके यहाँ से जो है लीव्स झड़ गए हैं। अगर आप ये भी ले लें तो ये भी चल जाएगी। तो ये भी चल जाएगी, ये भी चल जाएगी। तो फ्रेंड्स एक दो कटिंग्स और ले लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ से एक और कटिंग ले लें। ये फ्रेंड्स हमने ये कटिंग्स ली हैं, इसमें से हमने कुछ न्यू ग्रोथ वाली कटिंग्स ली हैं, कुछ ये कटिंग थोड़ी सी डेड वाली भी ली है। तो सारी ली हैं। आए फ्रेंड्स फिर इन्हें तैयार करते हैं। अगर इन कटिंग्स को देखें तो इन कटिंग्स में ये देखें, ये इस तरह से ग्रो करती हुई यहाँ से ये अभी इसकी न्यू शूट्स आ रही हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला एरिया हमने सॉइल के अंदर देना है, और ये भी दे दें कम से कम इसकी दो जो ये होता है नोड एरिया, ये आपने सॉइल के अंदर देना है। क्योंकि इसकी जो है यहाँ से जो है रूट्स निकलेंगी, फिर यहाँ से निकलेंगी, और इसकी जो शूट्स हैं वो यहाँ से निकलेंगी। तो हमने इन्हें जो है यहाँ से काट देना है। इसे जो है ये देखें, यहाँ से हम इसे यहाँ से अब काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे। और देखें इसको भी हम इसी तरह करेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काट देंगे, और ये भी काट देंगे। ये काट के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कटिंग्स हमने अब ले ली हैं, और देखें इस तरह से कटिंग को मैंने तैयार किया है कि यहाँ से मैंने जो है यहाँ से कट किया है, यहाँ से और यहाँ से। अब ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया अब सॉइल के अंदर जाएगा। आमतौर पर कटिंग्स के लीव्स को भी यहाँ से हाफ़ कर दिया जाता है, लेकिन इनके लीव्स इसलिए हाफ़ नहीं किए क्योंकि ये बहुत ही ईजी ग्रोइंग है। और जो है इसके लीव हाफ़ करें या ना करें कोई फ़र्क इसे ज़्यादा नहीं पड़ता। लीव हाफ इसलिए किए जाते हैं कि जो कटिंग है वो ज़्यादा जो है अपनी एनर्जी जो है फिर रूट्स की ग्रोथ पे लगाए। तो फ्रेंड्स अब हम इसे लगा लेंगे सॉइल मिक्सचर के तौर पे, हम बालू मिट्टी लेंगे, और फ्रेंड्स फिर हम उसे एक दिन के लिए साए में रख देंगे। ये जो लीव्स हैं आपको एक दिन के लिए लटके हुए नज़र आएंगे, इस तरह से ढीले ढीले लगेंगे कि ऐसे लगेगा कि शायद जो है ये जो है प्लांट अब नहीं चलेगा, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और नेक्स्ट डे ही आप देखेंगे कि इसके लीव्स जो हैं ये बिल्कुल ऐसे अपनी पहले वाली इसी वाली पोजीशन में आ जाएंगे। और अगर 3-4 दिन के अंदर आपको लगे कि ये लीव की ग्रोथ इसी तरह और ये जो है पोजीशन इस तरह से है, तो आप फिर समझ जाएँ कि यह आपकी जो कटिंग है वो सक्सेसफुल है, और रूट लेने में फिर कुछ दिन लग जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे जो है ये वो पॉट्स हैं जिनमें सर्दियों के फ्लावर्स लगे हुए थे। अब चूंकि सर्दियों के फ्लावर्स की मौसम चली गई है, तो अब हम इसमें स्वीट पोटैटो वाइन लग की कटिंग लगा लेंगे, और ये फिर इस तरह से इसमें ग्रो करती रहेगी। और जब जो है फिर दोबारा सर्दियाँ आएँगी, तो हम इन्हें फिर जो है
सर्दियों के फ्लावर्स के लिए यूज़ कर सकती हैं और इन्हीं यहाँ से निकाल लेंगे। और जो है शॉपर की थैलियों में या अपने जो हमारे पास बहुत से एक्स्ट्रा पोर्ट्स होते हैं उनमें लगा देंगे। एक स्टिक की मदद से होल करेंगे, होल इतना कर लें कि इसकी जहाँ से रूट्स आनी है वो नोड्स अंदर जा सकें। इस तरह से हमने होल कर लिए। अब हम इसे इस तरह से आराम से प्लेस कर देंगे। तो अब ये देख रही हैं कि ये वो जो नोड्स हैं वो अंदर चली गई हैं। और अब इस तरह से इसके गिर्द आप मट्टी कर देंगे। ये देखिए, ये सिंपल सा तरीका है। देखिए इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है। ये देखिए, ये हमने जो है इस तरह से लगा दी है। तो ये बस, अब एक और लगाते हैं। इस तरह से प्लेस कर देंगे और मट्टी को इसके गिर्द कर देंगे। ये तो फ्रेंड्स ये देख रही हैं कि इसके लीव्स जो हैं ये ढीले ढीले से हो गए हैं। तो ये इसका जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये जो है अब ये एक दिन के लिए ऐसे रहेगी। आपने इसे एक दिन के लिए साए में रखना है और उसके बाद जो है आपने इसे जो है फुल धूप में रख दें, शेडी प्लेस में रख दें। तो बस इसमें प्रॉपर वाटरिंग करते रहें। जब सॉइल को देखेंगे थोड़ी ड्राई हो रही है तो आप इसमें पानी देते रहें। तो ये कुछ ही दिन के अंदर जो है ग्रो कर जाएंगी। जो पर ये देखें इस तरह से धूप आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से जो है ये कवर हो जाए और जो है सन से जो है इसकी सॉइल जो है डायरेक्ट एक्सपोज ना हो, तो आप जो है अपने इन गमलों में भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जस्ट एक होल करें। तो यहाँ पे मैं इसकी ये तीन कटिंग यहाँ लगा रहा हूँ। तो आप जो है इस तरह से आप होल करके और इन कटिंग्स को बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने लगा दिए हैं। लीव यहाँ गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम इन्हें यहाँ से अलहदा कर देते। इसके लीव यहाँ से अलहदा कर दिए क्योंकि सॉइल पे गिर रहे थे। तो ये इनके बगैर भी जो है ये बड़े आराम से ग्रो कर जाएगी। तो इसका रिजल्ट भी चेक करेंगे। इस तरह से इनकी वाटरिंग दे देंगे। जहाँ पे ये थोड़ा सा साए में पड़े रहें तो यहाँ हमने इन्हें साए में रख दिया। तो फ्यूचर में हमारी जो कटिंग्स हैं वो इस तरह से ग्रो करेंगी। और ये देखें, ये भी एक कटिंग लगाई थी। तो ये देखें ये किस तरह से ग्रो कर रही है। तो फ्रेंड्स आप इन कटिंग्स को जो है आप इस तरह से जब लगाती हैं तो आप इस पोल के साथ भी अटैच कर सकती हैं और इसके साथ अटैच करके ये जो है ये ऊपर तक चली जाएगी। फ्रेंड्स ये देखें, इस पोर्ट में से लगाया हुआ है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। तो आप इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं, ग्राउंड कवरिंग के लिए भी लगा सकते हैं। जो ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है उसे कवर भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसने फुल कवर कर रखा था। तो ये मैंने पिछले साल इसकी वीडियो भी बनाई थी, तो नेट पे भी है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे काटा तो ये देखें थोड़ी सी कहीं इसकी रूट्स रह गई। तो अब ये दोबारा ग्रो करने लगी है। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से ग्रो करने लगी है। फ्रेंड्स आप इस आइडिया को जो है इस तरह से भी जो है लेकर चल सकते हैं कि आपके पास कोई पुराने टायर पड़े हों तो उन टायर्स को आप रख कर और उनके अंदर भी लगा सकते हैं। और लगाने अंदर मिट्टी भर के और लगाएंगे तो बिल्कुल एक जो है सर्कल में जो है ये ग्रो करेगी। तो वो भी टायर्स में भी बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी ग्रो करती है। ये कुछ दिन पहले ही लगाई थी तो ये ग्रो कर गई है। तो देखें ये किस तरह से अब इसने अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर दिया। इसमें ये देखें इस तरह से न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना ये देखें, ये कटिंग्स जो है मैंने लगाई थी और ये ग्रो कर गई हैं। और ये देखें इस कटिंग में तो देखें ये बेबी सन रोज़ की कटिंग है। तो इसमें तो देखें फ्लावर भी आ गया। आए इसे निकाल कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये हमने इसे निकाल लिया।
मिट्टी भालू मिट्टी है और जो है बहुत ही नरम मिट्टी है, इसकी नन्नी नन्नी रूट्स हैं, तो इस तरह से ये ग्रो कर रही है। तो फ्रेंड्स ये देखें इसकी ग्रोथ जो है देखें कितनी अच्छी हो रही है, और देखें इसने कितनी रूट्स गेन कर ली। तो देखें ये इस तरह से ग्रोथ करती है फ्रेंड्स, किसी भी नर्सरी से बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत कम पैसों में मिल जाती है। और अगर नर्सरी में अवेलेबल ना हो तो आप किसी अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, इसकी जस्ट एक कटिंग लेकर आएं और इस तरह से ग्रो करें, तो जो है अपने जो है पोर्ट्स में लगाएं, ग्राउंड कवरिंग के लिए लगाएं, इसे हैंग करें। तो फ्रेंड्स आप इसकी कटिंग को लगाएं, आपको बहुत मोटिवेशन होगी, आप इसकी कटिंग बड़े आराम से लगा सकते हैं और 100% इंशाल्लाह ताला इसमें सक्सेस होती है। तो बहुत ही इसे लगाना आसान है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस तरह से सिखाता हूँ, तो आप ये सीखने के बाद लगाया करें और अटेम्प्ट्स किया करें, जिससे आपका शौक बढ़ेगा। बस अपने शौक को पूरा करें इस तरह से कटिंग्स लगा कर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपने बात पूछनी हो तो आप जो है मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरा नंबर भी अवेलेबल है, फ़ोन नंबर, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपने सीखनी हो, पूछना हो, तो आप मुझे जो है कॉल करके या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़।